Hello and welcome back to MechZone. Last lecture, we have already finished with streamlinings of the bodies, why the golf balls gets dimpled and the related phenomena. And in this last lecture of the fluid mechanics, we are going to finish up with this chapter. And the first topic that we will start is forces on submerged bodies. Forces on submerged bodies. What happens is, whenever a fluid comes in contact with a stationary submerged body, for a stationary submerged body, फॉर अ स्टेशनरी समर्ज बॉडी, जब भी कोई फ्लूड किसी स्टेशनरी समर्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगा, इस पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा. ठीक है. द कॉम्पोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूड इज नोन एज द ड्रैग फोर्स. उस फोर्स का जो कॉम्पोनेंट है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूड, दैट विल बी कॉल्ड एज द ड्रैग फोर्स. एंड द कॉम्पोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, ये होगा हमारा लिफ्ट फोर्स. तो ड्रैग फोर्स वो होगा जो फ्लूइड के कारण इस बॉडी पे लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और लिफ्ट फोर्स क्या होगा? वो फोर्स होगा जो इस बॉडी पर लगेगा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर. जैसे मान लीजिए ये वाई है, एक्स है, ये इस तरीके से हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है. ठीक है, ये मान लीजिए हमारी बॉडी हो गई. तो बॉडी पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो एफ ड्रैग लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, एक एफ लिफ्ट लगेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये हमारा होगा एफ रिजल्टेंट विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एल स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. तो वेक्टर रिजल्टेंट से हमने निकाल लिया. ठीक है, और जो टैन अल्फा, ये एंगल जो है हमारा से अल्फा, और जो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हॉरिजॉन्टल वाला, दैट इज एफ डी. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली रिलेशन देखते हैं. जो एफ एल है वो है हमारा हाफ रो सी एल ए यू इन्फिनिटी स्क्वायर. सी एल इज द कोफिशियंट ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट कोफिशियंट, और जो एफ डी हो जाएगा हाफ रो ए सी डी क्यू इन्फिनिटी स्क्वायर. सी एल इज द लिफ्ट कोफिशियंट और सी डी इज द ड्रैग कोफिशियंट. दिस इज द ड्रैग कोफिशियंट. ठीक है, वेर वॉट इज ए, एरिया इज द प्रोजेक्टेड नॉर्मल टू द फ्लो, प्रोजेक्टेड नॉर्मल एरिया टू द फ्लो. फ्लो के जो नॉर्मल एरिया जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द ए. तो ये फॉर्मुलेज हमें याद रखने हैं. एफ एल इज इक्वल टू हाफ रो सी एल ए यू इन्फिनिटी स्क्वायर एंड एफ डी इज इक्वल टू वेर सी एल एंड सी डी आर द कोफिशियंट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग रिस्पेक्टिवली. ओके, तो एक चीज याद रखना है, एक ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये भी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अगर प्लेट है तो ड्रैग फोर्स जो है, ड्रैग फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ ए यू इन्फिनिटी स्क्वायर इनटू सी डी. और सी डी की बात करें तो ज्यादा 1.328 अपॉन अंडर रूट आर ई एल. ठीक है, ये फॉर्मूला. तो 1.328 अपॉन अंडर रूट आर ई एल का क्या हो जाएगा? रो वी एल अपॉन न्यू. तो जो सी डी है इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं कि ये लगभग एक्स अपॉन अंडर रूट एल है. एक्स मतलब ये इन सब की वैल्यूज को हमने लेके इसको मान लिया एक्स. तो सी डी, तो हम यहां देखेंगे ड्रैग फोर्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू, सॉरी ये आ जाएगा अंडर वन अपॉन हो जाएगा, तो अपॉन वन अपॉन अंडर रूट एल. तो एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल. सो जो ड्रैग फोर्स होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब अगर किसी प्लेट की बात की जाए तो उसकी प्लेट के जहां जिस कॉन्टैक्ट में फ्लो आएगा, यहां पर आपका ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा, यहां पर आपका ड्रैग फोर्स कम होगा.
ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ड्रैग फोर्स ऑन द फर्स्ट हाफ टू द ड्रैग फोर्स ऑन द सेकेंड हाफ। अब आपको पता है फर्स्ट हाफ में फोर्स ज्यादा होगा, सेकेंड हाफ में फोर्स कम होगा, एक नंबर या दो नंबर का सवाल था, ये तो देखकर ही आंसर लगाया जा सकता था, कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं। ऑप्शंस थे नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन वन होगा, जीरो होगा या कैन नॉट बी डिटरमिंड। तो आंसर होगा डेफिनेटली ग्रेटर देन वन, क्योंकि एफ डी ऑन द जो फर्स्ट रीजन में होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड रीजन के कंपेरिजन में। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रीम लाइनिंग का मेन उद्देश्य क्या है, स्ट्रीम लाइनिंग से व्हाट वी डू इज वी फॉर्म, हम लोग ड्रैग फोर्स को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बट विस्कस ड्रैग इज इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट, इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट, विस्कस ड्रैग इज इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट, वेयर एज द ड्रैग जो होगा ड्रैग फोर्स वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो लास्ट अब हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज द मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट। ये क्या होता है, इट इज द फिनोमेना ऑफ द जनरेशन ऑफ द लिफ्ट फोर्स ऑन अ स्पिनिंग बॉडी, लिफ्ट फोर्स ऑन अ स्पिनिंग बॉडी, किसी स्पिनिंग बॉडी पर लिफ्ट फोर्स के जनरेशन का जो फिनोमेना है दैट विल बी कॉल्ड एज द मैग्नस इफेक्ट एंड इट इज प्लेस्ड इन अ व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फ्लो फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फ्लो फील्ड, व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फ्लो फील्ड, और अगर बॉडी स्पिन कर रही हो तो उस पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक लिफ्ट फोर्स जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशंस कहां कहां हैं इसके, एप्लीकेशंस हैं स्पिनिंग ऑफ बॉल्स में, ठीक है, देन फुटबॉल्स की बेंडिंग पर, जो फुटबॉल्स मारते हैं कहीं से मारा कहीं पर जाकर चली गई तो उसे कहते हैं बेंडिंग ऑफ फुटबॉल्स, बेंडिंग ऑफ फुटबॉल्स में, ठीक है, क्रिकेट बॉल्स में हो गया, टेबल टेनिस बॉल हो गया, फुटबॉल, वेरियस स्पोर्ट्स में इसके तमामों एप्लीकेशंस आपको दिख जाएंगे। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ओके, अब कुछ चीजें हैं जो शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाई अपने इस पूरे कोर्स मॉड्यूल में, उस पे एक जो टॉपिक है वो हमारा रह गया है डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा अभी तक शायद गेट में एक नंबर या तो वो भी पूछा नहीं जाता, ठीक है, तो इसलिए मैं उस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, मेनली उसी पर ध्यान रहा है जहां से क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आर फ्लूइड मैकेनिक्स मॉड्यूल। आज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का मॉड्यूल पूरा खत्म हो चुका है। Next, we are going to start with three parallel subjects. We are going to start with strength of materials, refrigeration and air conditioning, and casting welding. तो आप हमारे सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आई थिंक हमारे 18 या 17 लेक्चर्स पूरे इन टोटल में हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है और लेक्चर्स बहुत ही सिंपली डिजाइन किए गए हैं ताकि उन्हें फाइनल ईयर वाले, प्री फाइनल ईयर वाले एंड पास आउट स्टूडेंट्स सब आसानी से समझ सकें। और न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद लगाइए, कोशिश करिए कि आप लोग जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकें, और डायरेक्टली ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे कि फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट दी ऑडियंस टू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कमेंट शेयर, और लोगों को बताएं हमारे चैनल के बारे में ताकि वो भी इस चैनल से अपना पूरा फ़ायदा उठा सकें। हमने फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा रखा है, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमारे ब्लॉग पेज से सब स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम आपको मेल बैक भी करेंगे। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर गेट, ईएससी, पीएसयूज एंड एसएससी जेई। होप द लेक्चर्स जो भी है यू आर एंजॉइंग देम एंड यू आर स्टडिंग ऑफ योर ओन। सो थैंक यू।